Assalamualaikum everyone, welcome back my channel, my parrot wife and me. Hello birds lover, आप सबका फिर से एक बार welcome है मेरे YouTube channel पर। तो friends, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि parrot को training कैसे देते हैं, कैसे starting में, कैसे end में, कैसे training देनी है। मैं पूरी details आपको इस video में बताऊंगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि पैरट को ट्रेनिंग कैसी देना चाहिए और ट्रेनिंग देने के दौरान पैरट की क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अपने बर्ड्स पैरट को ट्रेनिंग देना चाहते हो, अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। और आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो आपका पैरट तेजी से ट्रेन हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किस टॉपिक पर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जो भी कोई बेबी पैरट लेता है उसका एक मकसद ज़रूर होता है कि वो अपने पैरट को या तो बोलना सिखाए या कुछ अच्छी सी ट्रेनिंग दे, उसे कुछ ट्रेन करे, उसे कुछ न्यू एक्टिविटी सिखाए। और ना ट्रेनिंग बहुत टाइप्स की होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले क्या ट्रेन करना है, बाद में क्या ट्रेनिंग देनी है, स्टार्ट कैसी करना चाहिए। और इसी कंफ्यूजन में वो कुछ गलती कर देते हैं, जो बाद में ट्रेनिंग देनी है वो पहले दे देते हैं और जो पहले देनी है वो बाद में दे देते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है ना कि उनका बर्ड पैरट लाख ट्रेनिंग देने के बावजूद, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं सीख पाता है। और इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किए थे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना कि किसी भी पैरट को, बर्ड को ट्रेनिंग देने से पहले आपकी उनके साथ एक बॉन्डिंग होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप होना चाहिए, आपसे दोस्ती उनकी होना चाहिए, तभी वो सीखेगा। और आपसे दोस्ती नहीं होगी तो वो आपसे नफरत करेगा, तो वो आपसे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। पहले आप अपने पैरट से दोस्ती करें। और आपको दोस्ती कैसी करनी है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दी हूँ, लिंक पे प्रेस करके आप वीडियो देख लेना। और आपको हमेशा उनको केज में नहीं रखना है, केज के बाहर भी रखना है। अगर आप ऑलवेज उनको केज में रखोगे तो वो आप पर गुस्सा रहेंगे और फिर वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे और ना ही कुछ सीखेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको केज से बाहर रखना है। हाँ, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ही उनको केज में रखो, या तो फिर उनको सिर्फ रात में ही केज में रखो। तो अभी मैं आ जाती हूँ टॉपिक पर के स्टार्टिंग में आपको कैसे ट्रेनिंग देनी है। सबसे पहले उनको आपको ना हैंड टेम करना है। जैसे मेरा पैरट है, मैं इसको लेके दिखाती हूँ हाथ पे। चला जा, आ जा, शाबाश। ये देखो, ये हैंड टेम है, फुल्ली हैंड टेम है। और इसको मैंने ही हैंड टेम किया है। तो आपको सबसे पहले फ्रेंडशिप करके इन्हें हैंड टेम करना है। ये आपके हाथ पे ईजीली आना चाहिए, बिना झिझक के, बिना डर के। सिट 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 सिट, बैठ सेट सेट, उसको मेरे हाथ से ही नहीं उतरना है। अच्छा, बैठ जा, बैठ जा, सेट 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 सेट, शाबाश। अच्छा, आ जा, कम 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 कम, देख सकते हो आप कितना इजीली है मेरे हाथ पे आ जाता है और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है कि उसको भी मेरे हाथ से उतरना नहीं है। आप देख सकते हो किस तरह लटक गया था मेरे हाथ पे। फर्स्ट क्या करना है ना, जब भी आपको केज से भी बाहर निकालना है अपने पैरट को, तो कोई ऐसे दबोच के निकालता है, कोई पकड़ के निकालता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल उसके पैर के पास हाथ ले जाना चाहिए ऐसे, ताकि वो इजीली आपके हाथ पे आ सके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बस बाद में वो सीख जाएगा और आपके पैर हाथ पे आराम से वो आ जाएगा। क्या है बेटा, मस्ती नहीं करते ना। उसके बाद आपको उसको सहलाना है, उसको प्यार करना है, ठीक है। और ये जब आपकी बात सुने, आप उनको इस तरह से हाथ पे आने की ट्रेनिंग दे, तब आपको क्या करना है ना उस टाइम पे, अच्छा उसको आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको उसका फेवरेट फूड देना है। फेवरेट फूड उसका जो भी होगा, फूड में सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये आपको एक ट्रीट के तौर पर उनको देना है, ताकि आपके पैरट आपसे और खुश हो सके। जो भी आपके पैरट की फेवरेट फूड होंगी, ये वो आपको पता ही होंगी और आपको पता होनी भी चाहिए,
वो उन्हें दे देनी है। जो जब आपकी बात सुने उसके बाद आपको उसकी तारीफ करनी है, जैसे गुड बॉय मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, गुड वेरी गुड, और ये वर्डिंग उनको डेली बोलोगे तो समझ में आएगा कि आप उनको प्यार से बोल रहे हो, ठीक है, उनको ये चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी। हाथ पे आजा 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 शाबाश, देखो स्टैंड पे या कहीं पे रहने की जरूरत नहीं है, ये जमीन से भी मेरे हाथ पे आ गया, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने पैरट को ट्रेनिंग देनी है, जब भी उसे कुछ सिखाए तो उसको फेवरेट फूड दे देना है ताकि उसको भी लगे कि हाँ उसको मतलब वो खुश हो जाएगा, ठीक है। और आप उसको फेवरेट फूड देंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉफिट हो रही है, और प्रॉफिट होंगी तो वो दोबारा थर्ड टाइम थ्री टाइम फोर्थ टाइम ऐसे करेगा, चीज़ों को रिपीट करेगा वो। और अब ध्यान से और प्यार से करोगे तो ये ज़रूर सीखेगा। और इसके बाद होती है सेकेंड ट्रेनिंग शुरू, और सेकेंड ट्रेनिंग क्या होती है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि सेकेंड ट्रेनिंग क्या होती है और कैसी होती है, ये मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फ्रेंड मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, तो छोटा सा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।